हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें देने वाला हूँ माउस और कीबोर्ड की ऐसी सेटिंग्स जिसको ट्राई करने के बाद तुम लोग अपने माउस और कीबोर्ड के जो डिले होता है उसको कम्प्लीटली फिक्स कर दोगे, और जो भी तुम्हारे माउस और कीबोर्ड का रिस्पॉन्स टाइम है उसको भाई पहले से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे। जब भी तुम लोग यार अपने माउस और कीबोर्ड की कोई भी की को प्रेस करते हो तो जो भी उसमें डिले आता है वो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा फिक्स हो जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग तुम्हें अप्लाई करनी है ताकि यार तुम्हारा भी यहाँ पर जो डिले है वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाए। ये सेटिंग बेसिकली यार फ्री फायर के लिए नहीं है, जो भी अदर गेम जैसे को तुम पीसी में खेलते हो उन सभी गेम्स के लिए है, क्योंकि वहाँ पर हमको यहाँ पर माउस और कीबोर्ड की जरूरत होती है। तो सभी गेम्स के लिए जो तुम यहाँ पर पीसी में खेलते हो, तो जो भी गेम तुम लोग खेल रहे हो उन सभी में तुम लोग इस सेटिंग को ट्राई कर सकते हो। तो माउस और कीबोर्ड की कंप्लीट सेटिंग है, और जिनके पास गेमिंग माउस नहीं है वो लोग भी इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग को यहाँ पर इसी तरह की पीसी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है, तो एक बार चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो अभी चलते हैं अपने एमुलेटर पर। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं माउस सेटिंग पे। तो यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है माउस सेटिंग, माउस सेटिंग तुम्हारी यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर तुम्हें जाना है एडिशनल माउस ऑप्शन पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये सब बेसिक सेटिंग है, अभी तुम जो एडवांस सेटिंग है वो तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर आता है डबल क्लिक स्पीड, ठीक है। डबल क्लिक स्पीड हमेशा तुम्हें फास्ट पे रखनी है, मीडियम पे भी रख सकते हो बट फास्ट पे काफ़ी बढ़िया चलेगा, तो फास्ट या फिर मीडियम के बीच में कहीं पे भी तुम लोग रख सकते हो। उसके बाद आता है पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर ऑप्शन में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है पॉइंटर स्पीड की। पॉइंटर स्पीड तुम्हें रखनी है भाई यहाँ पर 6 नंबर पे बेस्ट रहती है, और जो इन्हेंस पॉइंटर प्रिसिशन वाला एक ऑप्शन होता है इसको तुम्हें मेक श्योर करना ऑफ होना चाहिए, ये तुम्हारा ऑफ रहेगा, इसमें मतलब अनटिक कर देना। बाकी यहाँ पर इसके अलावा इसमें कोई भी सेटिंग्स नहीं है जो इम्पोर्टेंट होगी, बेसिक यहाँ पर यही थी। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर एक और सेटिंग यहाँ पर तुम्हें सर्च करनी है गाइज, यहाँ पर वो रहेगी तुम्हारी कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद तुम्हें यहाँ पर जाना है गाइस ईस ऑफ एक्सेस पे, फिर जाना है ईस ऑफ एक्सेस सेंटर पे। उसके बाद गाइस तुम्हें जाना है मेक योर माउस इजर टू यूज, यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। फिर जाना तुम्हें सेटअप माउस कीज। अब गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो दो ऑप्शन है यहाँ पर, टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन का। टॉप स्पीड को तुम लोग भाई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, मैं इसको 1 पे भी रखता था। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको तुम्हें मेक श्योर करना 0 पे होना चाहिए, तुम्हारा फुल लो पे होना चाहिए। तो दोनों को यहाँ पर लो पे रख के खेलना, एक बार ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इसमें भी, तो इसको तुम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो ये तो थी गाइस माउस सेटिंग। अब यहाँ पर जिसके पास भी यार इसके अलावा एक और जिसके पास गेमिंग माउस है गाइस, ठीक है, जिसके पास गेमिंग माउस है उनके लिए बता रहा हूँ, अपने गेमिंग वाले सॉफ्टवेयर पर चले आना है। जैसे मेरे पास है रेजर डेथ एडर एसेंशियल का गेमिंग माउस, और तुम लोग देख सकते हो ये माउस है मेरा गेमिंग माउस, इसके सॉफ्टवेयर चले आना है। अब गाइस बेस्ट जो DPI है गेमिंग माउस की वो यहाँ पर 600 से लेकर 1200 के बीच में है। 600 से लेकर 1200 के बीच में तुम लोग कोई भी DPI रख सकते हो। मैं 700 पे खेलता हूँ जो कि मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी स्टेबल है, अपनी सेंसिविटी के अकॉर्डिंग तुम्हें रखना है, बट 1200 के ऊपर मत जाना, रिकॉइल होता है बहुत ही ज़्यादा। तो 700 में ही DPI है। और आता है एक पोलिंग रेट, ठीक है, पोलिंग रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पोलिंग रेट क्योंकि गेमिंग माउस में मेन होता है। तो पोलिंग रेट तुम लोग को यहाँ पर 1000 रख लेना है अगर तुम्हारे में दिया हुआ है, तो पोलिंग रेट मेरे में 1000 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर मैंने 1000 रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये तो थी यार बेसिक माउस सेटिंग, और इसके अलावा एक माउस का सॉफ्टवेयर आता है माउस रिलेटेड, जो भी तुम्हारा माउस का डिले जो फिक्स करेगा वो माउस सॉफ्टवेयर आता है, जिसका नाम है गाइस एक्स माउस बटन, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को गूगल क्रोम पे चले आना है, कहीं पे भी चले आना है, यहाँ पर सर्च करना है एक्स माउस बटन तुम्हारा दिख जाएगा, और इसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सिंपल एक क्लिक पर तुम लोग यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे, तो लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना लेटेस्ट वर्जन पे। और छोटी सी फाइल है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा APK तुम लोग बोल सकते हो, APK है, जिससे तुम यहाँ पर इजीली अपने माउस को जो डिले होता है उसकी क्लिक स्पीड है उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, उसको जो डिले को बहुत ही कम कर सकते हो। तो उसको मैं इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और यहाँ पर टास्क बार में यहाँ पर तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है, टास्क मैनेजर में यहाँ पर टास्क बार में आ जाता है, इसके तुम्हें राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेटअप पर जाना है। अब गाइस सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे देखने को मिलेगा डिफॉल्ट पे टिक होगा, तो मेक श्योर करना इस पर टिक होना चाहिए डिफॉल्ट माउस पे, और यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। अब यहाँ पर जनरल की सेटिंग में जो भी मैंने यहाँ पर बॉक्सेस में टिक किया हुआ है, ठीक है, जो भी तुम लोग देख सकते हो, जिस भी मैंने बॉक्सेस पे टिक किया वो तुम्हें टिक करना है, जो भी मैंने वैल्यू रखी हुई है वो तुम्हें रखनी है। एडवांस भी तुम्हें सेम करना है गाइस, जो भी मैंने जिस पे मैंने टिक किया हुआ है वो तुम्हें टिक करना है, और जो भी मैंने वैल्यू रखी हुई है उसको तुम लोग को सेट करना है, ठीक है, सेम कॉपी। और यहाँ पर ये 1000 के बदले 200 तुम्हें रखना है, ठीक है, 200 इस पर रख देना,
सबसे नीचे वाले पे और ये रियल टाइम कर देना है तुम्हें नीचे। ये पूरा मेरा कॉपी कर देना तुम लोग, कंप्लीट मेरा कॉपी करना, और जिससे तो क्या होगा तुम्हारा जो माउस की जो डबल क्लिक स्पीड है उसकी क्लिक स्पीड पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो तुम्हारा यहाँ पर माउस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग यहाँ पर सेट कर लेना, जिससे क्या होगा तुम्हारा जो डबल क्लिक स्पीड है, तुम्हारा जो क्लिक स्पीड है माउस की, वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये माउस का सॉफ्टवेयर था। तो गाइस ये तो थी यहाँ पर हमारे माउस की सेटिंग्स। अभी बात करते हैं कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली सर्च करना है कीबोर्ड सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर आता है रिपीट डिले और रिपीट रेट आता है, ठीक है। तो दोनों तुम्हें भाई फुल फास्ट पे रखने हैं, जो भी स्लो है फिर फास्ट है, मतलब जो इसका पॉइंटर है उसको तुम्हें फुल हाई पे रखना है। और यहाँ पर आता है पॉइंटर ब्लिंक करके आता है, ये पॉइंटर का माउस पॉइंटर आता है, इसको तुम लोग भाई इसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कीबोर्ड से, ये सिंपली तुम्हारे माउस का जो कर्सर होता है उसको ब्लिंक वगैरह करता है, तो इसका कोई मेन फंडा नहीं है। बेसिकली जो मेन सेटिंग्स है वो रिपीट रेट और रिपीट डिले है, इन दोनों को तुम्हें जहाँ पर मैंने रखा हुआ है वहीं पर रखना है फुल फास्ट पे। अब इसके अलावा एक कीबोर्ड का एक सॉफ्टवेयर आता है गाइस, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड प्रोसेस भी तुम लोग देख लो। यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाके सर्च करना है तुम्हें यहाँ पर फिल्टर की सेटर, ठीक है, फिल्टर की सेटर सर्च करना है। तो पहली जो वेबसाइट है इस पर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यार, वहाँ से तुम लोग सिंपल एक क्लिक पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। और यहाँ पर ये इसका सॉफ्टवेयर है, इस तरह इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इस पर सिंपली क्लिक करना, जिप फाइल ये डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर यहाँ पर APK आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका APK है, इस पर डबल क्लिक करके फिल्टर की सेटर तुम लोग देख सकते हो, इस पर डबल क्लिक करना है। और जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है, रिपीट डिले रिपीट रेट जो भी मैंने रखा हुआ है गाइस, तुम लोग देख लो, ये डिक्टो तुम्हें कॉपी करना है पूरा, सिंपली सभी के सभी यहाँ पर कॉपी करनी है वैल्यू, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू रखी हुई है। और राइट साइड में तुम लोग देख सो काफ़ी सारे बॉक्सेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर तुम्हारी ये बेसिकली सभी में टिक होगा, तो इन सभी को अनटिक करके सिर्फ दो ही में तुम्हें टिक करना है, एक है ऑन और दूसरा अवेलेबल, तो इन दोनों पे ही तुम्हें टिक करना है, बाकी सब पे अनटिक कर देना। फिर आता है पर सेफ एज रजिस्ट्री आता है, इस पर भी तुम्हें टिक कर देना है, ताकि जब भी तुम इसको ओपन करो ये तुम्हारे रजिस्ट्री में सेफ रहे, और यहाँ पर तुम्हारा जब भी मतलब रिसेट ना हो ये वैल्यू, ठीक है, तो सेफ रहेगी। तो इस तरह गाइस तुम लोग अपने माउस और कीबोर्ड के डिले को कम्प्लीटली फिक्स कर सकते हो। यही थी ये सेटिंग्स जिसको तुम ट्राई कर सकते हो अपने माउस और कीबोर्ड में। और ये सिर्फ यार एक ही गेम के लिए, हर गेम जिसमें तुम माउस और कीबोर्ड का यूज़ करते हो उन सभी में ये तुम्हारा हेल्प करेगी, जिससे क्या होगा तुम्हारा डिले कम होगा और तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही था गाइस इस वीडियो पे, आई होप तुम्हें यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको और भी सेट कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, लव यू ऑल।